कमेटी के चेयरमैन से आपने मुलाकात की, हज भवन आए थे, क्या बातचीत हुई? बस ये हमारे चंद साथियों को साथ में लेकर क्या है, तो रऊफ भाई से बहुत पुरानी दोस्ती भी है, पहचान भी है, उनके काम काज की कुछ हद तक लोगों से तारीफें भी सुन रहे थे। सोचा कि क्या अरेंजमेंट है, ज़रा एक बार हमें भी हाजों के इस मौके के अंदर अपने हाज़री दे करके जो है कुछ बातें इनसे भी मालूम करें, ये सोच करके हम लोग यहाँ पर आए थे। बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा निज़ाम संभाल रहे हैं। ये एक आजीज़ी अंदाज है इस इंसान में कि जो भी आए बड़े प्यार मोहब्बत से बैठ करके जो है सबकी बात सुनना और उनके लिए कुछ ना कुछ सही रास्ते की बात करना, ये जो खूबी है ये बहुत अच्छी है। इसी तरह की खूबियों की ज़रूरत है इस कौम के लिए। तो ये बहुत अच्छा लगा हमें कि इनके इंतज़ामात, इनकी जो सोचने का तरीक़ा है, ये जिस अंदाज से सबको लेकर के साथ में चल रहे हैं, तो ये नहीं कि इनके दिमाग में कि मैं बीजेपी का हूँ, मैं इसका हूँ ना मैं इसका हूँ, बस ये कौम की खिदमत करने के लिए कि मैं मुसलमान हूँ या कच्चे मकाम पर मुझे अल्लाह ताला ने बिठाया है, तो मैं अल्लाह की उस अजीम घर की ज़ियारत करने वालों के लिए खिदमत करूँ। ये सब जो है इनके जो सोच है, जो खिदमत करने का जज्बा है, उस नीयत से बैठे हैं। अल्लाह पाक जो है इनसे ये खिदमत ले रहा है, बहुत खुशी की बात है। तो जिस अंदाज से ये कर रहे हैं, एक मुतालबा हो रहा है, हाल ही में एक सीनियर एडवोकेट ने कहा था कि गवर्नमेंट चाहे तो मुसलमानों पर जो केसेस हैं UAPA के वापस ले सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग 400-500 लोगों के ऊपर UAPA है पूरे रियासत में अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में। आपकी तरफ से भी कुछ मेमोरेंडम या कुछ कोशिश की जा रही है आपके तरफ से? इंशाल्लाह, अभी तो हुकूमत बैठी है, नई नई है, अभी और देखेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे उल्मा, बहुत सारे तंजीमें ये तो दावा किए अब तक के हम लोग 88% वोट दे करके कांग्रेस पार्टी को अपना साथ दिए हैं, और ये हम उम्मीद रखते हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के हक़ में सही फैसला और इंसाफ करेगी। अब देखेंगे कि ये हुकूमत आगे क्या कर सकती है मुसलमानों के लिए, उसके बाद इंशाअल्लाह बात करेंगे। आपकी क्या डिमांड्स हैं? हमारे डिमांड सोच रखे हैं हम, इसीलिए इनको और थोड़ा मौका देंगे कि पूरी तरह से इत्मीनान से सेटल हो जाएं पूरे, उसके बाद में हम सदा इत्तेहाद वाले कुछ और सोच के रखे हैं। बजट में मुसलमानों को जो 5000 का वादा किए हैं, 5000 करोड़ का, वो देना चाहिए? भाई ऐलान तो सब होता है, अब जिस जिस डिपार्टमेंट के अंदर जो बजट जाता है, क्या वो जिम्मेदारी से जो बैठते हैं चेयरमैन बन करके वो होदों के ऊपर, क्या वो सही कौम के लिए पैसा पहुंचाते हैं, या इससे पहले कोई सब पहुंचा चुके हैं पहले, ये बात का तो आप हिसाब ले लें। सब बैंकों में पैसा रख करके वो अपना, अब मैं और नहीं बोलना चाहता, बस बाबा जी हाल ही में एक फेरोज सेठ या कोई बीजेपी के एक लीडर जो है इंतखाबात के एक महीने काबिल जो है रिज़ाइन देकर वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। अब उनकी एक मांग है कि बीजेपी के जो रौफुद्दीन साहब हज कमेटी के हैं और अब्दुल अजीम साहब हैं और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो शाफी सादी साहब हैं, इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और अब्दुल अजीम साहब को तो वो बहुत ये कह दिए हैं कि फौरन जो है आप इस्तीफ़ा देना, ये बात कहाँ तक सही है? अब देखिए, अजीम साहब जो है पहले एक पुलिस ऑफिसर रहे, उसके बाद MLC रहे, सियासी तजुर्बा रहा, उसके बाद इस पार्टी में आने के बाद उनको एक जिम्मेदारी दी गई थी, 3 साल उन्होंने मुकम्मल की, और उसके बाद फिर दोबारा उन्हीं को अपॉइंट किया, उनकी काबिलियत थी इसके लिए उन्होंने अपॉइंट किया। अब हमारे रऊफ साहब की बात है, इनका जो है इलेक्शन लड़के ये इलेक्शन जीत के आए हुए हैं, अब वो उसका टर्म्स क्या है इलेक्शन का वो जाने, उनका कानून जाने। अब रही शाफी सादी और तुम्हें चेयरमैन औकाफ की बात कर रहे हैं, वहाँ पर 3 लोग गवर्नमेंट की तरफ से नामनेट हुए हैं, वो इलेक्शन जीत के नहीं आए हैं, जो भी हैं तो वो जीत के नहीं आए हैं। हाँ, वहाँ भी इलेक्शन का इलेक्शन हुआ चेयरमैन के लिए, कब इलेक्शन हुआ? वोट डाल के ही? नहीं, वो एक सोची समझी साजिश के हिसाब से हुआ इलेक्शन, उसे नहीं कहा जाता। जब हमारे यूसुफ भाई का इंतकाल हुआ
तो उसकी जगह के ऊपर एक नए फिर इलेक्शन करवाते मुतवल्ली का, उसके बाद में वोटिंग करवाते तो ठीक था। अब यहाँ पे जो नामने टे हुए चार और दूसरे जो आदमी को लेकर के इन्होंने पाँच और छः के चार और पाँच और छः के बीच में जो इनका गेम था वो किए ये लोग, तो वो हिसाब से नहीं है। तो मुतवली इलेक्शन करवाते फिर उसके अंदर जीतने के बाद जो है ये जो वोटिंग होती है उसके बाद चेयरमैन बनते तो ठीक था। वो खैर वो अलग बातें हैं, अब उसमें मैं इस जगह पे नहीं बोलना चाहता, वो तो बाकी फिर बात करेंगे उसके बारे में। अब्दुल अजीम साहब को खुद जो है रियासती वजीर बीधर जमीर अहमद खान साहब जब वजीर बने तो पहले जाकर उनको जो है मुबारकबाद दी, लेकिन कुछ लोग जो है उनके इस्तीफा की मांग कर रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, पढ़े लिखे इंसान, बड़ी सोच समझ रखने वाला इंसान, ऐसे इंसानों की ज़रूरत है। इससे पहले भी कई मरतबा हम लोग जो है अब्दुल अजीम साहब से जो है मुलाकातें की है, उनकी जो खाम के बारे में जो उनकी दूरंदेशी जो फिक्र है वो कौम के लिए फ़ायदेमंद है, इसलिए उनको रहना चाहिए। अब ये हमारे रऊफ साहब का भी ऐसा ही है, एक खुश मिजाज इंसान है और हर किसी को बड़े नरम दिल से बड़ी आजीजागी से मिलते इंसान, ये हमारे कौम के लिए ज़रूरी है, ना कि कुछ और अंदाज से जो बैठते हैं जो पावर दिखाने की कोशिश करते हैं, वो तो ये लोगों में है नहीं, इसलिए रह सकते हैं। अभी आप जो है हज कमेटी के अंदर दाखिल हुए, आप जो मंजर देखे हज कमेटी की तरफ से जो इंतजाम हैं, आप क्या इस इंतजाम से ये मुतमईन? मुतमईन तो देखिए साहब, ये तो खिदमत करने के जज्बे से कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो हर कोई कुछ ना कुछ जिम्मेदारी लेकर के काम कर रहे हैं, वो उनकी खुशी से हो रहा तो मोहब्बत से हो रहा, तो इसमें बरकत ही बरकत है, हर काम अच्छा ही है। शुक्रिया।